अस कोई नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जार मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जिसके अंदर ऐश्वर्य आने के बाद में, एक प्रभुत्व आने के बाद में अहंकार पैदा ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होगा ही होगा, क्योंकि वह उसका साइड इफेक्ट है। किंतु जो भगवान का भक्ति करता है उसको पता है कि सब कुछ कृष्ण का है। हम लोग का जब जन्म होता है, जन्म के बाद में जैसे जैसे हम लोग बचपन में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो बचपन में हम लोग देखते हैं कि जब हम शिशु थे हमको कुछ नहीं आता था, तब हम एकदम बच्चे की तरह निराभिमानी निराहंकार रहते थे। और जैसे जैसे हमारा 10 साल का उम्र होता है, हम खेलना शुरू करते हैं, तो खेलने के समय हम बच्चों के साथ में कंपटीशन करते हैं। जैसे हम दूसरे बच्चे से अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर एक थोड़ा अहंकार दिखाई देता है, मैं उससे अच्छा क्रिकेट खेलने लग गया हूँ, मैं उससे अच्छा पढ़ने लग गया हूँ, वो तो फेल हो गया है, मैं पास हो गया हूँ। इस प्रकार जो है बचपन से ही हमारे अंदर जो है ये प्रतिस्पर्धा जो है एक अहंकार का जन्म देती है, या हमारे अंदर जो कुछ गुण आ जाते हैं वो हमको अहंकारी बना देते हैं। हम छोटी उम्र में बढ़िया से इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, किंतु धीरे धीरे हम जब अच्छी पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़े हैं, तो अभी हम बहुत बड़े से इंग्लिश बोल लेते हैं। वो इंग्लिश बोलना भी एक गुण है, वो भी हमारे अंदर कभी कभी अहंकार पैदा कर देता है कि देखिए इस संसार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, इसलिए वो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझता है और उस कारण से उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और कुछ हम लोग जब लिखाई पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ लिख जाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक अहंकार आ जाता है कि मैंने MBA पास कर लिया है, मैंने PhD पास कर लिया है, मैंने BA पास कर लिया है, मैंने IIT से इंजीनियरिंग पास कर लिया है, मैंने डॉक्टरेट पास कर लिया है, मैंने LLB पास कर लिया है। इन डिग्रियों से भी जो है कभी कभी अहंकार हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए हमको पढ़ाई भी करनी होगी, हमकी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी हासिल करनी होगी, बहुत कुछ सीखना भी होगा, अपने आप को क्वालिफाइड भी बनाना होगा। किंतु स्वाभाविक हम देखते हैं ये गुण जब तक हमारे अंदर नहीं थे तब तक हम विनयी थे, हमारे अंदर विनम्रता था, किंतु आज इन गुणों के आने से हमारे अंदर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है। हमारे पास में जब धन नहीं था, हम निर्धन थे, तब हमारे अंदर वो अहंकार नहीं था, किंतु आज जब हम करोड़पति बन गए हैं, करोड़ों के मालिक बन गए हैं, तो उस समय हमारे अंदर थोड़ा अहंकार दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार कोई भी गुण हमारे अंदर आता है तो वो अहंकार को लेके आता है, कोई भी ऐश्वर्य आता है तो वो हमारे अंदर अहंकार को लेके आता है। ये भागवत में भी बताया गया है, तो भागवत में बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्यों अहंकार बढ़ता रहता है और हमारे अंदर इस अहंकार का विनाश होने का कारण क्या है, कैसे ये अहंकार नष्ट होगा। तो कुंती देवी जो है, जो भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेमी भक्त है, वो कुंती महारानी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध होने के बाद में जब जा रहे थे द्वारिका, उस समय कुंती देवी प्रार्थना करती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतसी भी एदमान मदपमान नैव अर्हति अविदातुम पैताम किंचन गोचरम। हे कृष्ण, चार चीजें मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करती है। अहंकार क्यों पैदा होता है, उसके चार कारण है। उच्च कुल में जन्म, जिस किसी भी मनुष्य का उच्च कुल में, हम लोग अधिकतर ब्राह्मण कुल को श्रेष्ठ कुल समझते हैं, किसी का यदि ब्राह्मण कुल में जन्म होता है उसका एक स्वाभाविक अहंकार होता है, वो अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है कि क्षत्रिय मुझसे छोटे हैं, वैश्य मुझसे छोटे हैं,
शूद्र मुझसे छोटे हैं, जो चार वर्णों के बाहर है वो तो और भी छोटे हैं। वो अपने को श्रेष्ठ समझता है, उनको निकृष्ट समझता है। ऐश्वर्य दूसरा गुण जो हमारे अहंकार को बढ़ाता है वो है ऐश्वर्य धन। जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा धन आता है, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आता है, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे के मालिक हो जाते हैं, तो उस समय वो एक अहंकार को लेकर आता है कि मैं जो है बहुत आलीशान घर में रहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूमता हूँ, मर्सिडीज गाड़ियों में घूमता हूँ, और मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर मेरे पास में कितना धन है, मेरा बैंक में जो है कितना बैंक बैलेंस जमा है, मेरा कारोबार कितना बड़ा है। ये धन और ऐश्वर्य ये भी जो है अहंकार के बढ़ने का कारण है। और तीसरा कारण क्या है, पांडित्य। जब जब हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है वो ज्ञान भी अहंकार को लेके आता है। हम जब ज्ञानी होते हैं, यदि हम शास्त्रों के पंडित बन जाते हैं, तब भी हमारे अंदर ज्ञान अहंकार आता है। जब हम भौतिक ज्ञान में भी आगे बढ़ते हैं वो भौतिक ज्ञान भी हमारे अंदर अहंकार लेकर के आता है। और चौथा गुण क्या है जो हमारे अहंकार को बढ़ाता है, वह है हमारा रूप। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस स्त्री या पुरुष के अंदर जब अच्छा रूप होता है, एक पुरुष बहुत ज़्यादा जब सुंदर होता है, उसका रूप बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, उसके अंदर भी अहंकार आता है। वो देखता है कि संसार में जितने भी स्त्री पुरुष है वो सब कुरूप है, मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ रूपवान पुरुष हूँ, मेरा सौंदर्य मेरा रूप सबसे सुंदर है। कोई स्त्री समझती है मेरा रूप सबसे सुंदर है, कोई पुरुष समझता है मैं सबसे सुंदर हूँ, उस समय भी उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है, वो अहंकार बढ़ता रहता है। किंतु किसके अंदर अहंकार नहीं बढ़ता है, ये चार चीज़ें आने के बाद भी किस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं बढ़ता है, जिसको पता है ये धन का मालिक मैं नहीं हूँ, इस ऐश्वर्य का मालिक मैं नहीं हूँ, ये भगवान ने मुझे दिया है कुछ समय के लिए समाज की सेवा करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए मुझे दिया है, तब उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। जब उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि जो मुझे ज्ञान मिला है ये ज्ञान मेरा नहीं है, मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया है, भगवान की कृपा से मुझे मिला है। जब जब हम किसी संपत्ति को अपना समझ लेते हैं तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जब जब अपने को कर्ता मान लेते हैं तब तब अहंकार आ जाता है। जब मुझे पता है कि मेरे अंदर जो भी ऐश्वर्य है, मेरा जो रूप है, मेरा जो ऐश्वर्य है, और मैं जो उच्च कुल में जन्म हुआ हूँ, ये भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे दिया है, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, तब हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है कुंती देवी भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये चार जो है मनुष्य के अंदर अहंकार को बढ़ाते हैं, किंतु जो निष्किंचन होता है, जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जिनके अंदर भगवान की भक्ति होती है, उसके अंदर चार चीज़ें होने पर भी अहंकार नहीं बढ़ेगा। किंतु ये चार चीज़ें आने पर जो है स्वाभाविक अहंकार बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है, अस कोई नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाई जार मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जिसके अंदर ऐश्वर्य आने के बाद में, एक प्रभुत्व आने के बाद में अहंकार पैदा ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होगा ही होगा, क्योंकि वह उसका साइड इफेक्ट है। किंतु जो भगवान का भक्ति करता है उसको पता है कि सब कुछ कृष्ण का है, जो कुछ मेरे पास में सब कृष्ण का है, कृष्ण ने मुझे दिया है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा नहीं हो सकता है। जो अपने को कर्ता मानता है, जो उस वस्तु का मालिक मानता है, जो इस उस चीज़ का मालिक मानता है अपने आप को, उसके अंदर अहंकार हो सकता है। किंतु जिसको पता है ये गुरुदेव की संपत्ति है, ये भगवान की संपत्ति है, ये वैष्णव की संपत्ति है, ये मेरा कुछ नहीं हो, वो हमेशा क्रेडिट जो है भगवान को देता रहता है। उसको पता है कि इसके मूल में भगवान है, भगवान की कृपा से मुझे सब मिला है, मेरा घर भगवान का है, मेरा बैंक बैलेंस भगवान का है, आज मेरे अंदर कुछ गुण आए हैं ये भगवान का दिया हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा नहीं होता है। इसलिए हमको अहंकार से यदि बचना है तो निरंतर भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा, भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान का सत्संग करना होगा, भगवान से जुड़ना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, क्योंकि भगवान जो है निरहंकार ही है, भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है, उनका शिशु सुलभ व्यवहार है। इसलिए
हम लोग देखते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव एकदम बच्चे के जैसा होता है। उनके अंदर न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मद होता है, न अहंकार होता है। उनका जीवन एकदम सरल होता है। क्यों? उनको पता है, हर स्थिति में वो जानते हैं कि मेरे जीवन के कर्ता भगवान कृष्ण है, भगवान ही मुझे सब दे रहे हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जब तक मैं और मेरा है तब तक अहंकार बढ़ेगा, जब मैं और मेरा चला जाएगा तो अहंकार नहीं आएगा। इसलिए किसी भी वस्तु का, किसी भी गुण का, किसी भी चीज़ का अपने को मालिक नहीं समझना है, और प्रत्येक वस्तु भगवान की है ऐसा समझना है। किसी भी वस्तु के प्रति अपनापन भाव नहीं रखना है, सबको भगवान का समझते हुए यदि हम जिएंगे और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहेंगे, उन भगवान की भक्ति करते रहेंगे, हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आएगा। यही अहंकार से बचने का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण।